A big hello to all my dear viewers and all my dear subscribers. Many of you were commenting me in comment sections to make a video on Geeta Krishnan Kutty's Bell chapter, but जैसे कि मेरे पास वो picture इसकी नहीं थी and internet पर भी ये chapter available नहीं है and that's why I ask few of you to send me on Gmail address and thankfully मेरे एक यूज़र ने मुझे सेंड भी किया है ये पिक्चर जीमेल में. सो थैंक यू सो मच एंड टुडे विदाउट एनी डिले आई विल मेक दिस चैप्टर फॉर यू. तो चलिए पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. गीता कृष्णन कुट्टी इज़ एन अवार्ड विनिंग एंड वेल एस्टैब्लिश ट्रांसलेटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, नॉवल्स एंड एंथोलॉजीज फ्रॉम मलयालम टू इंग्लिश. हर वर्क वॉन हर फर्स्ट क्रॉसवर्ड इंडियन लैंग्वेज फिक्शन अवार्ड इन 1999 से लिप्स एंड वर्क्स इन चेन्नई. तो देखिए गीता कृष्णन कुट्टी एक अवार्ड विनिंग, इट मीन्स दैट इनको अवार्ड भी मिल चुका है एंड वेल एस्टैब्लिश ट्रांसलेटर है. एज अ ट्रांसलेटर वो उनका प्रोफेशन ही एज अ ट्रांसलेटर है. वो क्या ट्रांसलेट करती है? वो शॉर्ट स्टोरीज ट्रांसलेट करती है, नॉवल्स एंड एंथोलॉजीज मलयालम लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है. एंड एंथोलॉजीज क्या होता है? जैसे प्रोज एक सेक्शन होता है, पोएम एक सेक्शन होती है बुक्स वगैरह में, तो ये प्रोज को ज़्यादातर ट्रांसलेट करती है. एंड उनको फर्स्ट टाइम जो अवार्ड मिला था उस अवार्ड का नाम ये है क्रॉसवर्ड इंडियन लैंग्वेज फिक्शन अवार्ड इन 1999. ये इनका फर्स्ट अवार्ड था. ओके, से लिव्स एंड वर्क्स इन चेन्नई. और अभी के टाइम में वो चेन्नई में ही रहती है एंड चेन्नई में ही काम करती है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड इवन बिफोर दैट इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. आप सब्सक्राइब करना ना भूले एंड एक लाइक तो जरूर बनता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखिए इस चैप्टर को हम शुरू करें उससे भी पहले हमें बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इसके बारे में समरी जान लें, बिकॉज इसमें जो मटेरियल है उसके बारे में हमें पहले से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो हमारे इंडिया में बहुत टाइम पहले बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते थे जो कि कई लोग मानना नहीं चाहते थे एंड लॉजिकली वो गलत भी होते थे, बट उन्हें मानना पड़ता था बिकॉज सोसाइटी का ऐसा प्रेशर होता था. तो इसमें भी हम ऐसा ही देखेंगे कि एक टेम्पल है, टेम्पल में जो बैल होता है उस बैल को बजाने की इजाज़त, इट मीन्स अलाउ उसको किया गया है या तो प्रेस्ट को या फिर प्रेस्ट की बेटी को. लेकिन इस बात को, इस स्टोरी की जो प्रोटागोनिस्ट है, जो हीरोइन है, उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है एंड वो उसका प्रोटेस्ट करती है. तो चलिए अब हम इसको देखते हैं. एंड साउथ में काफ़ी टाइम ऐसे पहले हुआ भी करता था. तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं. An unusual sense of excitement pervaded her visit to the temple this evening. There had been an argument over lunch between her and her grown-ups when she had announced her decision to ring the bell in front of the sanctuary at the hour of lamp lighting. ओके, जैसे ही डिस्क्रिप्शन शुरू होता है तो हमें ये पता चलता है कि एक एक्साइटमेंट की फीलिंग है. नरेटर ऐसा बोल रहा है जब टेंपल को विजिट करने की बात आई इवनिंग में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था उस लड़की के मन में एंड एक आर्ग्यूमेंट भी हुआ था लंच के टाइम में उसमें और उसके ग्रोन अप्स में. ग्रोन अप्स क्या होते हैं? बड़े लोग जो होते हैं, एजेड पर्सनस, उनको ग्रोन अप्स बोलते हैं. जब उसने ये डिसाइड किया और जब उसने ये अनाउंस किया उस गर्ल ने कि वो जाकर सेंचुरी में बैल ज़रूर बजाए. सेंचुरी क्या होता है? अ पार्ट ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग दैट इज कंसिडर्ड होली. मान लीजिए एक मंदिर है या फिर चर्च है तो उसमें जो एक पार्ट होता है जैसे हॉल होता है या फिर कोई और जगह जो कि होली मानी जाती है तो उस जगह को हम सेंचुरी भी बोलते हैं. इफ थंगम कैन रिंग इट सो कैन आई, सी डिबेटेड हॉटली. हॉटली क्या होता है? बहुत गर्म दिमाग से उसने ये डिसाइड किया और उसने ये बोला कि अगर थंगम रिंग बेल कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ. थंगम इज़ द नेम ऑफ अनदर गर्ल. दे प्रोटेस्टेड इन सॉक्ड वॉइसेस. थंगम इज़ द डॉटर ऑफ द टेम्पल प्रिस्ट, सी इज परमिटेड टू टच द बैल. उन लोगों ने, इट मीन्स उसके ग्रोन अप्स ने प्रोटेस्ट किया एंड सॉक्ड वॉइस में, बिकॉज ऐसा कोई बोलता नहीं है. उस टाइम में ऐसा ही हुआ करता था और वो बोलते हैं कि थंगम तो डॉटर है प्रिस्ट के. प्रिस्ट मीन्स क्या होता है? पुजारी, जो पुरोहित होते हैं. तो उसको अलाउ है कि वो टच कर सकती है बैल को, लेकिन तुम एक नॉर्मल लड़की हो और तुम टच नहीं कर सकती.
She responded angrily that Thangam came over to play hide and seek every afternoon and behave no differently from any of them. तो वो girl बोलती है कि आप लोग बोल रहे हो कि वो प्रिस्ट की लड़की है, but थंगम तो यहाँ पर रोज़ आती है खेलने के लिए हाइड एंड सीख हमारे साथ हर दोपहर को, एंड उसमें ऐसा हम लोगों को डिफरेंट कुछ भी नहीं लगता है और ना ही वो अलग तरीके से कुछ डिफरेंटली बिहेव करती है. वाई डू यू थिंक सी वॉज नॉट अलाउड टू रिंग द बेल? आपको क्या लगता है कि उसको, इट मीन्स दैट थंगम के अलावा जो दूसरी लड़की है उसको बेल रिंग करने के लिए अलाउ नहीं किया गया? So it may be that it can be a ritual that only the priest and priest's son or daughter can bell the ring. Besides, she added, goading them deliberately, we are all equal in the eyes of God. She was not quite sure whether they had heard this bit, for they had already turned away in disgust. But after lunch, she caught them whispering about that horrid English school she goes to, which means that they had heard. Okay, ये picture थोड़ा सा blur है, but I am reading, so I am thinking that आपको वैसा problem नहीं होगा. Okay, तो इसके अलावा उस लड़की ने बहुत ज़्यादा goading करते हुए, goading means क्या होता है, provoking, बहुत गुस्से में और जान पूछ कर उसने ये कहा कि God के नज़र में तो हम सब equal है, तो सिर्फ थंगम ही क्यों बैल कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकती. एंड उसको ये डाउट था कि पता नहीं सारे लोग ने ये चीज़ सुनी है या नहीं, उसने ये जो सेंटेंस बोला सभी ने ये सुना है कि नहीं, बिकॉज जब वो बोल रही थी तब बाकी के लोग ये डिसगस्ट में बहुत ज़्यादा परेशान होकर उससे मुड़ चुके थे. लेकिन जब लंच करने की बात आई तब उसने ये विस्परिंग सुना. विस्परिंग क्या होता है, जैसे धीरे धीरे बात करते हो, फुसफुसाते हुए सुना कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज वो उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाती है, इसीलिए इसके थाट्स ऐसे हो गए हैं. और इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बात जरूर सुनी जो कि उस लड़की ने कहा कि गॉड के नज़र में तो हम सब इक्वल ही हैं. बट शी वॉज श्योर दैट दे हैड नॉट टेकन हर वेरी सीरियसली. दैट वॉज द ट्रबल विद ग्रोन अप्स. दे ऑलवेज परज्यूम्ड दैट इफ दे टोल्ड हर that she would understand everything when she was older, she would accept their wisdom and authority unquestioningly and not dream of going against them. Oh well, she would show them this time. Okay, तो देखिए आगे नरेटर ये डिस्क्राइब करती है कि यही तो प्रॉब्लम है बड़े लोगों में कि वो लोग उसकी बातों को सीरियसली लिए ही नहीं. दैट वॉज द ट्रबल विद ग्रोन अप्स. यही प्रॉब्लम है बड़े लोगों की कि वो छोटे बच्चों की बातों को सीरियसली लेते ही नहीं हैं. वो अपने मन में ये प्रिज्यूम कर लेते हैं, पहले से ही मान लेते हैं कि अगर उनको बोल दिया गया है कि तुम जब बड़े होगे तब तुमको सब समझ में आ जाएगा, तो वो उनके विजडम को एंड उनके अथॉरिटी को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लेंगे. ओह वेल, सी उड सो देम दिस टाइम. बट नरेटर इज डिस्क्राइबिंग कि इस बार वो नहीं मानेगी और वो उनको दिखाएगी. अब देखिए ये भी सेंटेंस पूरा नहीं है, डॉट 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 दिया हुआ है. क्या दिखाएगी, क्या वो बताएगी, ये हमें नहीं पता, ये हम आगे पता करेंगे. वॉट वॉज इट दैट सी वॉन्टेड टू शो देम? तो ऐसा क्या है जो कि उन्हें शो करना चाह रही है? इट मे बी हर करेज एंड इट मे बी हर डिसीजन एंड लॉजिक बिहाइंड हर सेइंग, कि वो क्या बोलना चाहती है. ओके, She therefore submitted with good grace to the suggestion that she accompany her grandmother to the tank for her evening bath, though she really preferred the makeshift bathroom at the back of the house. She hated the slippery stone steps of the tank and the dark green slime at their edge menaced her foot hold. The water had a sullen, dangerous look and always felt bitterly cold, but she endured it all today with no complaint. Chattering brightly, she did not fuss even when the tiny fishes swarmed around her ankles, pecking at them viciously, threatening her precarious balance. Okay, next क्या होता है, उस girl ने अपने मन में ठान लिया था कि वो सही मौके का इंतजार करेगी और उसके बाद बड़े लोगों को बताएगी कि क्या चीज़ लॉजिक होती है. वो जब उसको ये सजेशन दिया गया कि तुम अपने ग्रैंड मदर के साथ टैंक पर जाओ, टैंक क्या होता है, तालाब या फिर पुकुर वगैरह जो होता है उसे टैंक भी बोलते हैं, इवनिंग बाथ के लिए, तो उसने बिना किसी प्रॉब्लम के ईजिली अच्छे ग्रेस के साथ उनके सजेशन को मान लिया.
एंड वो रियली प्रिफर करती थी कि वो मेक शिफ्ट बाथरूम में जाए जो कि उनके हाउस के पीछे है. व्हाट इज़ मेक शिफ्ट बाथरूम? मेक शिफ्ट बाथरूम वो होता है जो घर के पीछे वाले एरिया में कुछ ऐसे ही चीपली अरेंज करके बनाया जाता है. यहाँ पर इमेज दी हुई है, इस इमेज के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हो. एंड वो उसमें प्रेफर कर रही थी जाना, लेकिन उसको वहीं जाना पड़ा बिकॉज वो उस टैंक के स्लिपरी स्टोन्स को बहुत हेट करती थी. वहाँ पर बहुत फिसलन वाले पत्थर वगैरह रखे हुए थे जिसके थ्रू उसको नीचे जाना पड़ता था. एंड डार्क ग्रीन स्लाइम एट देयर एज, एंड वो जो काई वगैरह जो लगी रहती है उससे उसके फुट होल्ड, इट मीन्स जो पाँव की जो पकड़ होती है वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग कि वो गिर भी सकती है. मेनेंस मीन्स होता है आपका बैलेंस बिगड़ जाना एंड आप गिर भी सकते हो. ओके, एंड वहाँ का जो वाटर था वो बहुत सलेन था, बहुत लाइक ब्लैक ब्लैक दिखना एंड डेंजरस लुक एंड ऑलवेज फेल्ट बिटरली कोल्ड. और बहुत ज़्यादा उसे उसमें ठंड भी लगता था, ऑफकोर्स बिकॉज वो तो ओपन है तो उसमें ठंड होगी है. बट उसने ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं की. वो सबसे हंस हंस कर बात करती रही एंड सी डिड नॉट फस इवन वैन द टाइनी फिशेज. जब छोटे छोटे फिशेज उस आकर उसके एंकल्स पर ऐसे पोकिंग कर रहे थे तो भी उसने कुछ नहीं कहा, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया. विसियसली थ्रेटनिंग हर प्रिकैरियस बैलेंस. वॉट इज प्रिकैरियस? Precarious mean uncertain or likely to fall down. जब आपका बैलेंस ठीक ठाक ना हो और आप गिरने वाले हो तो भी उसे precarious बैलेंस बोल सकते हैं. ओके, बैक अगैन एट द हाउस सी हैड टू अंडरगो द इंटेंशनली अनकम्फर्टेबल रिचुअल्स ऑफ हेयर ड्रेसिंग. दे स्मूथ हर हेयर विथ वॉट फेल्ट लाइक अ होल जार ऑफ ऑयल, सेपरेटेड ईच शाइनिंग स्ट्रैंड टिल इट हंग लिम्प एंड स्ट्रेट एंड लाइफलेस डाउन हर बैक, एंड देन टाइड इट अप एट अ टाइट स्किन स्ट्रेचनिंग नॉट ऑन द टॉप ऑफ हर हेड, सिक्योरिंग इट विद अ फाइबर ऑफ बनाना स्टेम. सी वॉज थैंकफुल नन ऑफ हर स्कूल friends could see her like this. Droplets of oil oozing down her temples give her tiny shivers of disgust. The back of her neck felt slimy, made her long to wriggle out of her skin. She bit back her annoyance, containing herself with a savage swipe at her oily forehead with the edge of her skirt when they were not watching. ओके, टैंक से बात लेने के बाद जब घर आई, आफ्टर दैट उसको एक और रिचुअल फॉलो करना था जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, एंड वो रिचुअल था हेयर ड्रेसिंग का. यहाँ पर देखिए, मदर अपनी डॉटर का हेयर ड्रेसिंग कर रही है. इट वॉज इंटेंसली अनकंफर्टेबल. इंटेंसली मीन्स एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल. उसके बाद वो लोग एक जार का जो ऑयल है उस पूरे के पूरे ऑयल से उसके हेयर को स्मूथ किया करते थे, इट मीन्स उसमें हेयर मसाज किया करते थे. एंड वो उनके इसके डॉटर के ईच शाइनिंग स्ट्रैंड को, इट मीन्स दैट हेयर की जो लट होती है जो सामने निकली रहती है या फिर अलग अलग हेयर के पार्ट, उन सब को तब तक स्ट्रेट किया करते थे जब तक कि वो लाइफलेस डाउन हर बैग, इट मीन्स दैट इतने ज़ोर से वो खींचा करते थे, उसमें ऑयल लगाया करते थे, ऐसा लगता था मानो उसमें अब लाइफ ही नहीं है. एंड उसके बाद वो लोग उसको टाइट करके, एकदम टाइट करके स्किन स्ट्रेचनिंग, जैसे हम हेयर को बहुत ज़्यादा टान के अगर बांधे तो ऐसा लगेगा जैसे हमारी स्किन स्ट्रेच कर रही, स्किन खींची जा रही है, उसके टॉप ऑफ द हेड पर उसको बांधा करते थे. एंड सिक्योरिंग इट विद अ फाइबर ऑफ बनाना स्टिम, और वो उसको बांधते थे बनाना के स्टिम से, एक फाइबर बना हुआ रहता था उससे उसको बांधा करते थे. एंड वो डॉटर जो थी वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी कि चलो एटलीस्ट मेरे स्कूल के फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं हैं, वो ये नहीं देख सकते हैं. ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल ऊजिंग डाउन हर टेम्पल्स, और इतना ज़्यादा उसमें ऑयल लगाया जाता था कि जो ऑयल के जो ड्रॉप्स होते हैं वो टपकते थे. ऊजिंग मीन्स क्या होता है? टपकते रहना. टेम्पल्स मीन्स कान के पीछे से. ओके, तो उसको इतना ज़्यादा ऑयल लगाया जाता था कि उसको बहुत ज़्यादा डिसगस्टिंग फील होता था. एंड वो सीवर करती थी. सीवर मीन्स क्या होता है? ऐसे जैसे कांपना होता है. यहाँ पर एग्जैक्टली ठंड से कांपना नहीं होगा, बट आप बोल सकते हो कि गुस्से से झुंझलाहट करना. ओके, एंड उसका जो नेक था बहुत ज़्यादा स्लीमी फील करता था. स्लीमी क्या होता है? जैसे जनरली हम लोग बोलते हैं कीचड़ से लथपथ होना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इतना ज़्यादा ऑयल था कि वो ऑयल से लथपथ थी. एंड मेड हर लॉन्ग टू रिगल आउट ऑफ हर स्किन,
एंड ऐसा लगता था, रिगल आउट मीन्स होता है बहानेबाजी करना, ऐसा लगता था जैसे ऑयल जो है बहानेबाजी करके उसके हेयर से निकल कर उसके स्किन तक आ जाया करते थे। सी सिट बैक हर एनॉयंस कंटेंटिंग हर सेल्फ विद अ सैवेज स्वाइप एट हर ऑयली फॉरहेड एंड विद द एज ऑफ हर स्कर्ट व्हेन दे वेयर नॉट वॉचिंग। ओके, तो देखिए इस गर्ल को गुस्सा बहुत आता था लेकिन वो अपने आप को समझाते हुए चुपचाप बैठ जाती थी। एंड सैवेज मीन्स क्या होता है, सिविर, बहुत ज़्यादा एक ही बार में ऐसे करके पोंछती थी अपने फोरहेड को अपने स्कर्ट से जब कोई भी नहीं देख रहा होता था। ओके, सी वॉज रेडी बिफोर द इवनिंग फ्लरी ऑफ लैम्प लाइटिंग हैड स्टार्टेड द ओल्ड टूथलेस मेजर डोमो ऑफ द हाउस होल्ड केलू नायर वॉज इंस्ट्रक्टेड टू अकंपनी हर टूडे। वाई कुड दे नेवर अंडरस्टैंड and how ridiculous she felt being escorted by him. She had reminded her mother many times that she walked alone to school every day when they were back in the town, that she even went by herself to the bakery at the end of the road to buy sweets and cakes. Her mother simply pretended not to hear. ओके, तो देखिए ये जो इसकी जो टॉक्स हमें मिल रहे हैं कम्प्लीटली नॉन ट्रेडिशनल बातें इसकी हमें सुनने के लिए मिल रही है। एक ऐसी लड़की जो सोसाइटी को नहीं मानती है, एंड सोसाइटी को नहीं मानना एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा बट जो रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती है जो कि उसे इलॉजिकल लगते हैं। ओके ओके, देखिए जब लैम्प लाइटिंग का टाइम शुरू हुआ था उस समय वो भी रेडी होना शुरू कर दी थी एंड उसका एक सर्वेंट था उनके फैमिली का जो कि मेजर डोमो था। व्हाट इज़ मेजर डोमो, जो लॉन्ग टाइम से आपके यहाँ पे काम कर रहा है, तो ऐसा एक सर्वेंट था जिसका नाम था केलू नायर और उसको इंस्ट्रक्शन किया गया था कि तुम इसके साथ साथ आज रहोगे, इसके पीछे पीछे चलोगे। तो द गर्ल इज सेइंग दैट व्हाई दे नेवर अंडरस्टैंड, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि मुझे कितना रिडिक्युलस फील होता है, यू नो, आप चल रहे हो और आपके पीछे आपका एक सर्वेंट चल रहा है, बींग स्कॉटेड बाई हिम, आपके पीछे पीछे चल रहा है। वो अपनी मदर को ये काफ़ी बार रिमेंबर भी करवाती थी कि जब कभी भी वो लोग टाउन में रहा करते थे, पहली के बाद रिमेंबर करवाती थी कि जब मैं टाउन में रहती थी तब तो मैं स्कूल से अकेले आया करती थी, यहाँ तक कि रोड के एंड में जो दुकान है वहाँ से वो स्वीट्स एंड केक भी खुद ही लेके आया करती थी। बट उसकी मदर ऐसे प्रिटेंड करती थी, प्रिटेंड मीन्स दिखावा, जैसे कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। वाई डू यू थिंक सी फेल्ट ridiculous being escorted by Kelu Nair, you know, मुझे जो लगता है कि इसमें जो girl का जो character दिया हुआ है, she is very independent and she wants to do her work by herself and that's why उसको ये सब कुछ ridiculous लगता है। तो आज हम इस chapter को यहीं तक रखेंगे। Thanks for watching study table. अगर आपको इसका second part चाहिए तो please comment करके बताइए, I will make the video as soon as possible. Thank you so much once again.